नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न। अभी दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि मैडम, मुझे आपकी ये वाली वीडियो मिल नहीं रही है। मैं इस वीडियो को बहुत सर्च कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये वीडियो आपकी नहीं मिल रही। उनका ऐसा कोई हो सकता? और ये प्रॉब्लम एक नहीं, काफ़ी लोग मुझे हमेशा बताते रहते हैं जब भी कॉल करेंगे कि मैडम, मुझे आपकी वीडियो नहीं मिल रही है। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्यों ऐसा है। मैंने काफ़ी दिनों से तो मैं यही सोच रही थी कि चैनल बड़ी है, वीडियोज़ बहुत ज़्यादा है, शायद नहीं भी मिल रही हो। पर उस दिन बातों बातों में मुझे पता चला कि क्यों ऐसा है। वो मैडम ने बताया कि मैडम, मैं जैसे ही चालू करती हूँ, आप उसमें बोलते हो सुखी रहे, संपन्न रहे। मतलब मैंने उनसे हाँ ये पूछा था, कितनी वीडियो आपने देखी? तो उन्होंने कुछ 4 या 5 वीडियो देखी थी। सेम आप वही बोलते हो और कपड़े भी आपने सेम पहन रखे हैं। दोस्तों, मैंने उनको तो समझा दिया, आपको भी समझा दूँ। एक ही कपड़े पहन करके मैं बहुत सारी वीडियो एक साथ अपलोड करती हूँ, और हर वीडियो में शुरुआत में इस अच्छी विश करती हूँ अपने सब्सक्राइबरों के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए, कि आप सुखी रहें, खुश रहें, संपन्न रहें। इसके बाद ही कंटेंट आता है। तो आप स्टार्टिंग सुन करके या सेम ड्रेस देख करके ये ना सोचें कि ये वीडियो मैंने पहले देखी है। लोग यहीं तक देख करके उसको फट से काटा, दूसरी में गए, ओह ये तो वही मैडम है, वही वीडियो है, पट से काट दिया। अरे आगे बढ़ने ही नहीं दिया, आगे बढ़ने दो, आगे जो कह रही उसको तो सुनो, तब पता चलेगा कि कंटेंट बदल गया है ना। जो लोग, जो दूसरे भी लोग जो परेशान हो रहे हैं कि मुझे वो सेम वीडियो नहीं मिल रही है, आप कंटेंट तक जाएं, शुरुआती दौर पर ही भागे नहीं, बराबर। तो ये उपाय है दोस्तों शनिवार का। शनि आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपको उठा उठा कर पटक रहे हैं, मतलब आपकी सामाजिक स्थिति को डाउन कर रहे हैं, आपकी नौकरी खतरे में है, व्यापार आपका बंद हो गया है, घर में कलेश बहुत ज़्यादा है, जिंदगी नरक समान बन चुकी है। छोटा सा काम है, जरूर करें। शनिवार के दिन सुबह उठें, स्नान आदि करके पूजा पाठ जो भी कर्म आप करते हैं डेली बेस पर अपनी लाइफ पे कर लें। उसके बाद में एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें और उसमें अपनी ये बीच वाली मध्यमा उंगली, जो लंबी वाली उंगली है शनि की है, इसको उसमें डुबोएं और जो आपकी आईब्रो है इस पर सरसों का तेल लगा दें। आप देखो, ये दुनिया में कहते हैं ना, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लेना। अगर आपकी किस्मत में एक्सीडेंट नहीं लिखा है तो दूर से ट्रक आ रही है आप भाग जाओगे, लेकिन जिसकी किस्मत में एक्सीडेंट लिखा है उसको ट्रक नहीं दिखाई देगी, या उसके अंदर यह मति आएगी कि वो आएगा तब तक तो मैं निकल जाऊंगा। तो जो चीज आ रही है वो विचार बनकर आपके अंदर आती है, आंखों से आप उसको देख रहे हो, यही बैठा है काल आपकी आंखों पर। जिसको कुदरत जो देती है वो उस चीज को आप देखो, आपका आपके कहीं रुपए जाने लिखे हैं तो आपको ऐसी मति आएगी, ये काम करूंगा तो ये हो जाएगा, होना वो नहीं होता है, रुपए चले गए, रुपए को जाना था चले गए। आपका किसी के साथ बहुत अच्छा गहरा रिश्ता है, लेकिन अगर उससे बिगड़ना लिखा है तो आपके दिमाग में कंटिन्यू थॉट आएंगे जो उस व्यक्ति के विरोध में है, रिश्ता बिगड़ जाएगा, जो होना है वो होता है। काल यही है, सरसों का तेल इसको लगा, दृष्टि बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी। जो दिमाग बुद्धि आपके पास, जैसे आपका बिजनेस बंद हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए जवाबदार हैं, जिम्मेदार हैं, वो चीज़ आपकी समझ में आने लग जाएगी। कुछ भी, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है वो क्यों आ रही है आपकी समझ में आने लग जाएगा, और आप उसके बीज को हटा देंगे, वो उसको हटा देंगे, वो जर गया, प्रॉब्लम हट गई, करके देंगे। जय श्री कृष्ण।